सब्सक्राइब करें हिंदी एजु सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी एजु सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। पिछले दिनों से आप देख रहे होंगे कि MSBT एग्जामिनेशन के बारे में बेहद से वीडियोज आ रही है जिसमें आपको बताया जा रहा है कौन सी एग्जाम पोस्टपोन हो रही है और कौन सी एग्जामिनेशन अब कैंसल्ड होने वाली है ETC। ये सारे अपडेट्स तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। चाहे जो भी इसका अंदाज़ा निकले, चाहे जो भी निष्कर्ष निकले, लेकिन एक चीज़ आपको खास करके ध्यान रखना होगा। वह चीज़ क्या होगी? अगर कैंसलेशन कोई एग्ज़ाम होगी तो आप सोच के चलिए MSBT एग्जामिनेशन अगर कैंसल्ड होती है तो उसका नुकसान कितने सारे छात्रों को उठाना पड़ सकता है। और ऐसा सोचकर भी नहीं लगता है कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो सकती है, या फिर कोरोना के अपडेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसके हिसाब से क्या हो सकते हैं। ETC जो तर्क लगाए जा रहे हैं वह अलग अलग प्रकार के तर्क अपने हिसाब से लगाए जा रहे हैं। एक चीज़, एक अपडेट जरूर आ सकता है, हम आपको पक्के दावे से यह कह सकते हैं। अगर जो 10th का ज्योग्राफी का जो पेपर अभी बाकी है, भले ही वह कैंसल्ड हो सकता है, लेकिन MSBT की एग्जामिनेशन कैंसल्ड होना कदापि संभव नहीं है। MSBT की एग्जामिनेशन होगी और जरूर होगी, क्योंकि अब आपको देखना होगा यहाँ पर कि समर 2020 एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस पेपर के पैकेट्स है वह इन्वेंट्री के साथ में, डॉक्यूमेंट्स के साथ में DC, EC और RBT लॉगिन में ऑलरेडी ऑनलाइन डिस्प्ले हो चुके हैं। DC के अलावा एग्जामिनेशन सेंटर्स यानी कि जहाँ पर एग्जामिनेशन होगी आपकी, वहाँ पर भी RBT लॉगिन के बाद अब डिस्प्ले हो चुके हैं क्वेश्चंस पेपर्स के। कितने उन्हें पॉकेट्स चाहिए, कितने पैकेट चाहिए, इसके बारे में उनसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर आप MSBT की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, जहाँ पर समर 2020 एग्जाम फाइनल टाइम टेबल के बाद एक यहाँ पर टैब आ रही है, समर 20 एग्जाम QP पैकेट्स इन्वेंट्री इज डिस्प्लेड इन DC, EC एंड RBT लॉगिन। 14 अप्रैल 2020 के बाद इसके बारे में अपने को सभी को लेटेस्ट अपडेट पता हो जाएगा। भाई अपुन भी ऐसे ही बात कर रहे लाए अभी, क्योंकि अपुन को भी अब आपसे ऐसे ही बात करने का है। तो मुन्ना भाई MBBS स्टाइल है, कोई बात नहीं भाई, अभी आपको थोड़ा सा हंसी का माहौल भी बनाना है, इसलिए हम ऐसा आपके साथ में इस तरह की वीडियोज़ में इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे पर कि जो QP पैकेट्स हैं वह डिस्प्लेड होने के बाद में MSBT के एग्जामिनेशन में क्या आने वाला है। तो वह एग्जामिनेशन पैकेट्स होते हैं स्टूडेंट्स के अनुसार, जो कि स्टूडेंट्स एक एक हॉल में होते हैं, तो वह एग्जामिनेशन सेंटर्स के टोटल जो स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अनुसार QP पैकेट्स की इन्वेंट्री एग्जाम सेंटर्स को वेरिफिकेशन के लिए दी जाती है और उन्हें वेरीफाई करना होता है। और एक जरूरी बात हम आपको बताना चाहेंगे, आपकी इंजीनियरिंग की एग्जाम्स भी होगी और आपके MSBT की एग्जाम्स भी होगी। आपको जरूरी है अब स्टडी करना, ना कि COVID-19 के बारे में हमेशा सोचते रहने का। COVID-19 को गोली मारिए और अब आप स्टडी की तरफ बढ़िए, आपको स्टडी करना है। और जो लॉकडाउन का आपको पालन करने को कहा गया है उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए और स्टडी में फ़ायदा आप लीजिए, और MSBT के सभी जो पिछले क्वेश्चंस पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पिछले 3 ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर है और उनके मॉडल आंसर्स पेपर है वह अभी ऑलरेडी MSBT की वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। आप यहाँ से सीधे एग्जामिनेशंस में आकर क्वेश्चंस पेपर सर्च कर सकते हैं और उसके बाद मॉडल आंसर पेपर भी सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर आप क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड करने के बाद उन्हें हल करिएगा और उसके जो आपको आंसर चाहिए वह भी आपको मॉडल आंसर सर्च पेपर में मिल जाएंगे, और इस तरह से आपका स्टडी भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आपकी MSBT एग्जामिनेशन कितनी भी स्टडी में कितनी भी वह हार्ड जाए, लेकिन आपको वह सिंपल जाएगी अगर यह फॉर्मूला अपनाते हैं। एग्जाम क्वेश्चंस पेपर को आप हल करते हैं और मॉडल आंसर सर्च में उन्हें देखते हैं तो आपको इसका फायदा अवश्य मिलने वाला है दोस्तों। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं और आगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल को आपने शेयर नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे जो सभी छात्र हैं उन तक यह वीडियो पहुंचाना बेहद ही ज़रूरी है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के अपडेट्स, रिजल्ट अपडेट्स, सभी बोर्ड के अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम हमारा चैनल सबसे पहले करता रहता है। तो दोस्तों हमें विदा दीजिए, आज तक इतना ही, धन्यवाद।